उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब सरकार डीजल बसों का लास्ट ऑर्डर ले रही है, इसके बाद सभी बसें इलेक्ट्रिक खरीदी जाएंगी, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं सरकार बाहरी राज्यों की हिमाचल प्रदेश में धड़ल्ले से चल रही वोल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। बाहरी राज्यों में हिमाचल नंबर की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। वोल्वो बसों के नेक्सस पर लगाम लगाने के लिए सरकार अन्य राज्यों को भी अध्ययन कर रही है। इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री क्या बोले, सुनिए विस्तार से। जो वोल्वो का नेक्सस है ट्रांसपोर्ट में, इसको हम मलिया मेट कर देंगे, जो कि सैकड़ों बसेज आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। हमने इसके लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे डिस्कशन कर ली है और तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और ये पिछले 10 साल से ये प्रदेश में बसें चला रहे हैं, प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहें तो इनको एक मुश्त भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे टूरिज़्म पे असर होगा, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो इसलिए हम इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, एक महीने के अंदर अंदर पूरी तरह करके जो है इसका समाधान करने जा रहे हैं। जो गाड़ियां जो है, जो लंबी गाड़ियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नंबर ले रखे हैं, पूरे देश में आप जाएं 5 स्टारों के बाहर लंबी गाड़ियां आपको नज़र आएंगी, इन सब के ऊपर नंबर हिमाचल के हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हिमाचल प्रदेश के साथ किया और ये गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। ये जो हमारा HRTC का डीजल बसेस का लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद पथ परिवहन निगम या इवन गवर्नमेंट में भी हमने डीजल की गाड़ियां पूरी तरह बैन कर दिए। अब इलेक्ट्रिक बसेस को ख़रीदा जाएगा, उसके ग्लोबल टेंडर्स किए जाएंगे पूरी पारदर्शिता से, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि जगह जगह जो है ई चार्जिंग स्टेशंस बने, ज़मीनें एक्वायर कर ली गई हैं, पेट्रोल पंपों पे भी ई चार्जिंग स्टेशन हो, प्राइवेट लोग ई चार्जिंग के लगाएं, गवर्नमेंट ई चार्जिंग के स्टेशन लगाएं, दफ्तरों में ई चार्जिंग के स्टेशन बने, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं।